मॉर्निंग गाइज, आई एम राज, यू आर वॉचिंग राजू मैती ब्लॉग्स। झारखंड ट्रैवल्स का ये फोर्थ ब्लॉग है और अभी हम जा रहे हैं उसरी फॉल्स। खास है अब है जो है वो समा है, तुम रह सके तो रबा है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सके ऐसी जीत अब चाहे जिंदगी। फाइनली हम पहुंच चुके हैं उसरी फॉल्स, तो चलिए अंदर चलते हैं, फॉल्स के सारे नज़ारा आप लोगों को दिखाते हैं। ये देखिए, ये है उसरी फॉल्स, इतना बढ़िया सा फॉल्स है। देखिए बड़ा सा फॉल्स है ये, बहुत ही बड़ा सा, ये नीचे नहीं जा सकते, पानी बहुत ज़्यादा तेज़ी से बह रहा है यहाँ से, इसलिए यहाँ पर ऊपर ही हम लोग पिकनिक कर रहे हैं। वैसे तो सभी और भी ऊपर पिकनिक कर रहे हैं, हम लोग थोड़ा नीचे आ गए हैं फिर भी। तो यहाँ पर देखिए ये कितना गहरा है ये फॉल्स, देखिए यहाँ से भी बह रहा है और यहाँ से भी, ऊपर से भी बह रहा है, दोनों साइड से। और भी दो तीन साइड है, वहाँ पर जाना पड़ेगा उधर। तो बहुत ही बढ़िया सा फॉल्स है, बहुत ही अच्छा यहाँ का नज़ारा है, चारों तरफ जंगल है, पहाड़ है, घेरा है पूरे ये एरिया। कुछ छोटा छोटा यहाँ पर दुकान है, पानी बेच रहा है और चना मसाला, मसाला मुड़ी यहाँ पर बेच रहा है ये लोग। ये गिरिटी में है एक्चुअली, गिरिटी में हम लोग नाइट पर रुके थे, आप लोगों को दिखाया था रिसोर्ट में। और ये वहाँ से 10 किलोमीटर उसरी फॉल्स, ये भी झारखंड में है। फिर से आप लोगों को एक बार ये नज़ारा पूरे दिखा देते हैं। ये देखिए यहाँ से भी ये फॉल्स आ रहा है और यहाँ से ये बढ़िया सा है। उसके बाद और भी उधर एक है, पहले आप लोगों को दिखाया, यहाँ पर नीचे गया है बहुत सारे लोग, ये ऊपर एक घेराव सा करके रखा है यहाँ पर, यहाँ से देखने के लिए, व्यू देखने के लिए। और ऊपर दुकान है, बहुत सारे लोग पिकनिक कर रहे हैं, बंगाल से बहुत सारे यहाँ पर बसेस आए हैं। चीज राज है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सके तो रबा है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सके ऐसी जीत अब चाहे जिंदगी, ऐसी जीत अब चाहे जिंदगी है। तो फाइनली हम लोग घूमने आए हैं उसरी फॉल्स। यहाँ पर जो दोपहर का जो खाना वाना हम लोगों का तैयार हो गया है, सब कुछ कंप्लीट है। अभी ये लोग जा रहे हैं नहाने के लिए ऊपर और मैं भी इनके साथ जा रहा हूँ, तो ऊपर से जो नज़ारा देखने को मिलेगा वो भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। फॉल्स के नीचे से जो कुछ शूट करना था कर लिया, अभी ऊपर से भी शूट करके आप लोगों को दिखाने वाला हूँ कि ये एरिया कितना बढ़िया है।
कितना अच्छा नज़ारा, ये फॉल्स देखिए, उसी फॉल्स, यहाँ से बहते हुए, यहाँ से आते हुए, यहाँ से जाते हुए, और यहाँ पर सिकंदरदा नहा रहे हैं। देखिए कैसे, किस तरह से नहा रहे हैं। देखिए इधर से भी एक बहते हुए गया है, बहुत ही अच्छा ये उसरी फॉल्स है, बहुत पसंद है हम लोगों को। छिप छिपाए ऐसे जी हम न पाए, ऐसी जिंदगी हम छिप छिपाए हम न आए, आए आए हम न आए, ऐसे जी छिप छिपाए ऐसे जी हम न पाए। वहाँ पर सब नहा रहे हैं, सिकंदरदा, राहुलदा, बोरुल, देबुदा। तो देखिए मैं कहाँ पर खड़ा हूँ, उसी फल्स का जो पहाड़ है वहाँ पर एक बहुत ही ऊंचा सा एक पत्थर यहाँ पर था, मैं वहाँ पर आ चुका हूँ अब लोगों के लिए वीडियो शूट करने के लिए। यहाँ पर देखिए ये फॉल्स, यहाँ से गुजरते हुए, यहाँ से आते हुए, फिर मैं दिखा रहा हूँ यहाँ से देखिए, और ये देखिए कहाँ से चला गया। मुझे बहुत ही डर लग रहा है क्योंकि ये बहुत ही खड़ा ही है, तो यहाँ पर वीडियो शूट करते हुए बहुत ही डर लग रहा है, अगर गिर जाऊँगा तो पूरे के पूरे राम राम सत हो जाएगा। ये देखिए यहाँ से गुजरते हुए वहाँ तक गया है, जो मैंने पहले वीडियो में आप लोगों को दिखाया, ये उसके ऊपर है। अगर आप गिरिटी में रहोगे तो गिरिटी से ये मान लो 9 से 10 किलोमीटर अंदर आना पड़ेगा, ऊपर चढ़ना पड़ेगा पहाड़ के ऊपर, उसके बाद फिर से नीचे आना पड़ेगा, तो ये फॉल्स आपको दिखने को मिलेगा झारखंड में। तो इसी बात पर, इस वीडियो पर, इस ब्लॉग पर एक लाइक हो जाए। तो यहाँ पर ही हम लोग खाना बना बनाया, उसके बाद नहाने के लिए आया हम लोग। मैं तो गिरिटी में जो होटल में ठहरा था, जो रिसोर्ट में ठहरा था, वहाँ पर नहा लिया। इस वीडियो में यहाँ पर खड़े होकर इसलिए शूट कर रहा हूँ कि इससे आप लोगों को ये अगर फॉल्स पसंद आ जाए झारखंड का, तो आप घूमने आ सकते हो। बहुत ही अच्छा ये जगह है, आप यहाँ पर आके बहुत ही आसानी से खाना वाना पका सकते हो, सब कुछ आपको मिल जाएगा, पीने का पानी मिल जाएगा, खाना पकाने का पानी मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा आप लोगों को। तो यहाँ पर एक बजरंग बली का मूर्ति है, यहाँ पर एक माँ काली का भी मूर्ति है। तो अभी हम लोग फिर से नीचे जा रहे हैं, नीचे जाके अभी दोपहर का लंच ख़त्म करेंगे, इसके बाद निकलेंगे घर के लिए। आहिस्ता, तो ये देखिए हम लोगों के आज के मेनू कुछ खास नहीं है, चिकन तो इन लोगों ने पहले ही खा लिया, टाटा बाबाई झारखंड, डेंजर 4 PM, डेंजर डेंजर 4 PM, मतलब 4 PM से पहले यहाँ से निकल जाना पड़ेगा, इसलिए हम लोग जा रहे हैं घर। बोरुन यहाँ पर बैठा है, पीछे सिकंदरदा है, राहुल कहाँ है, ये यहाँ पर राहुल है, और वहाँ पर देबुदा मीरा थोड़ा साफ सफाई कर रहा है।
अभी हम फिर से वेस्ट बंगाल पर एंट्री ले चुके हैं और ये है वेस्ट बंगाल का पूर्व बर्धमान डिस्ट्रिक्ट का एक फेमस प्लेस, वो है शक्तिगढ़। तो ये फेमस इसलिए है, यहाँ का कुछ मिठाई बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है, बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है, बहुत ही ज़्यादा फेमस है। उनमें से एक है शक्तिगढ़ का लंचा, तो वही खरीदने के लिए हम लोग यहाँ पर थोड़ा रुके। 250 यहाँ पर कुछ टिफिन करेंगे और सभी ने अपने अपने घर के लिए थोड़ा बहुत मिठाई भी खरीदेंगे, उसके बाद फिर से वापस यहाँ से निकलेंगे घर के लिए। बहकी सभी जुबा है, हम हैं हजारों में, अब की कमी जरा है, हर चीज खास है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सकी तो रबा है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सके ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी है। गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, जैसे कि गाइस आप लोगों ने देखा कि कार मुझे घर तक ड्रॉप करके चला गया मेरे जो दोस्त लोग था, तो यही 12:15 को मुझे घर ड्रॉप किया, उसके बाद सभी ने अपना अपना घर चला गया। हम लोगों ने शक्तिगढ़ से जब निकला था वो 8 PM था, उसके बाद कोलाघाट आके हम लोगों ने थोड़ा डिनर किया वहाँ पर एक ढाबे पर। रास्ते पर हम लोगों ने कहीं पर भी नहीं रुका, इतने जल्द इसलिए घर पहुंच चुका हूं। और घर आके थोड़ा फ्रेश होके ये एंड वीडियो शूट कर रहा हूं। तो जाने से लेकर आने तक झारखंड में जो जो प्लेस हम लोगों ने घूमा सारे कुछ आप लोगों के साथ शेयर किया। और ये ब्लॉग वीडियो अगर पसंद आता है तो एक लाइक करते हुए शेयर जरूर कर देना। इस ब्लॉग को यहीं पर ख़त्म करते हैं। ओके, टाटा बाय, गुड नाइट।